नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। जौनपुर में देश के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करके सोशल मीडिया में वायरल करने वाले को पुलिस ने आज हिरासत में ले लिया है। पुलिस उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मालूम हो कि कुछ दिन पूर्व एक युवक द्वारा देश के प्रति आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करके सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया था। पुलिस ने इसे संज्ञान में लेते हुए देश विरोधी शब्द बोलने वाले युवक की जांच पड़ताल किया। यह युवक मछली शहर कस्बे के शादीगंज उत्तरी का नसीम पुत्र रजई था। पुलिस ने उसके खिलाफ मछली शहर थाने में धारा 153 बी, धारा 295 ए भादवी पंजीकृत किया है। थाना मछली शहर पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। ये गलती के नशे में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पूरे देशवासियों से निवेदन है कि हमको माफ कर दीजिए। 4-5 लोग थे, थोड़ा नशे के हालत में मैंने उल्टा सीधा बोल दिया। उसके लिए पूरे देशवासियों से मैं क्षमा चाहता हूँ। आज के बाद आइंदा ऐसी कभी हमसे गलती नहीं होगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान में मैं रहता हूँ, हिंदुस्तान का नमक खाता हूँ। नशे की हालत में गलती हो गई, इसके लिए अब कभी गलती न हुई, आइंदा माफी मांगता हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा।